सो हेलो एवरीवन, तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एक संस्था है ब्रिटेन की, वो ये निकालती है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, उसमें इंडिया की रैंकिंग पूछ रहा है। 42, 45, 51, 63 ऑप्शंस हैं। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, 51। पिछली बार 50th पोजीशन पे था, अभी 51 पे आ गया है। टॉप किया है नॉर्वे ने, ठीक है, नॉर्वे ने इसमें जो है टॉप किया है, और इसमें सबसे नीचे पे रहा है नॉर्थ कोरिया। चाइना की पोजीशन रही है 153, 153। और इसका मतलब बता तो मतलब ये होता है कि लोगों को कितनी डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता जिसको हिंदी में बोलते हैं, कितनी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? 23, 22, 21 या फिर 20 जनवरी? तो ये मनाई जाती है 23 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए सही है। और इस बार 123वीं जयंती मनाई गई इनकी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे कि आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की जापान में, और आज़ाद हिंद रेडियो चलाया जर्मनी में, कई सारी कंट्रीज़ में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये काफ़ी कंट्रीज़ में गए जो कि ब्रिटेन के अगेंस्ट थी, क्योंकि ब्रिटेन उस समय हमें रूल कर रहा था, तो ब्रिटेन के अगेंस्ट में गए जो भी कंट्रीज थी, जापान हो गई, जर्मनी हो गई, तो यहाँ पे इन्होंने विज़िट किया और इनसे सपोर्ट मांगा कि अब हम मतलब कि इंडियंस आपको सपोर्ट करेंगे और आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ब्रिटिश को अपने देश से निकाल सकें, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और इनकी डेथ के बारे में मतलब कि कोई पुख्ता ऐसा नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इनकी जो डेथ हुई 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। ये सब बातें तो एकदम फर्जी हैं कि वो अभी भी जिंदा हैं, ये वो सब, तो लेकिन डेथ के बारे में किसी को पूरी तरह से कोई ऐसे सबूत नहीं मिल पाए थे। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है? यानी कि साउथ एशिया में पहली बार ई पासपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला कौन सा कंट्री है? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर श्रीलंका। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने इस काम का जो शुभारंभ किया, पहली बार ई पासपोर्ट की सुविधा। अभी कमेंट में आपको ये बताना है कि बांग्लादेश की करेंसी का नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों के उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितना समय तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? 3, 4, 5 या फिर 6 महीने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने, ठीक है, 6 महीने तक इसका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? चीन, रूस, नाइजीरिया, फिर सूडान। तो ये है एक अफ्रीकन कंट्री, यहाँ पर अफ्रीकन कंट्री दो हैं, नाइजीरिया और सूडान, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया में ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर जो है उसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। कमेंट में आपको नाइजीरिया की कैपिटल बतानी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुँचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC 141B का चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया? भारत, नेपाल, चीन या फिर पाकिस्तान? तो ये किया है इंडिया ने, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी ये जो HCFC होते हैं ये ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि और मेनली ये जो ACs चलती हैं यहाँ से जो निकलते हैं जो पार्टिकुलेट मैटर है HCFC, और ये ओजोन को जो है ओजोन लेयर उसको डिप्लीट करते हैं, और क्योंकि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करते हैं, आपको पता है जो हार्मफुल यूवी रोज होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज उनसे प्रोटेक्ट करता है, इसी वजह से ओजोन का डिप्लीट होना एक बहुत चिंता की बात है, और इसी वजह से इसको जो है चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता मिली है? ब्राज़ील, गुयाना, अर्जेंटीना, फिर चिली। तो ये मिली है बी, गुयाना, ठीक है, गुयाना को मिली है। और G77 से 70 देशों का जब ये बना था तब समूह था, और ये 1964 बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि कई सारे हैं ना जैसे G7 है उनमें मोस्टली डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए जापान यूके ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज आती हैं G7 में, वैसे G77 है ये बहुत बड़ा जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका ये ग्रुप है। अगला है, हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया? ऑक्सफैम, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी कि ILO। तो ये किया है ऑक्सफैम ने, इसके बारे में कल मैंने डिटेल में आपको बताया था। ऑक्सफैम ने ये जेंडर पैरिटी गैप और जो इनकम पैरिटी गैप है, जो आप जिसको ऑक्सफैम ने द ग्रेट डिवाइड नाम दिया है। ग्रेट डिवाइड का मतलब है, कल मैंने आपको बताया था कि जो अमीर और गरीब के बीच में जो डिवाइड है वो बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ जो मेल और फीमेल के बीच में जो डिवाइड है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि रिचर और रिचर, जो रिच पर्सन है वो और रिच हो रहे हैं, और जो मेल का डोमिनेशन है वो और डोमिनेशन जो है बढ़ रहा है ओवर द फीमेल्स। ठीक है, तो इसके मैंने आंकड़े भी बताया था, जैसे कि 1% ऑफ इंडिया जो रिचेस्ट पर्सन्स हैं वो 4 times ज़्यादा वेल्थ होल्ड करते हैं कंपेयर टू जो 70% बॉटम के, जो नीचे के, जो एक तरह से आप बोल सकते हो जो गरीब लोग हैं इंडिया के। और वही जेंडर के मामले में ऑक्सफैम ने एक स्टैट दिया है कि जो मेल्स हैं वो वर्ल्ड वाइड 50% ज़्यादा वेल्थ होल्ड करते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा वायरस का नाम दिया है, भारत, नेपाल, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये है सर ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी। और ये एक एक्चुअली अल्फ़ा वायरस की कैटेगरी में आता है। अब इसके डिटेल में आपको जाना नहीं कि अल्फ़ा वायरस क्या होता है कैटेगरी, बस आप ये जान लीजिए कि जो चिकनगुनिया का जो मच्छर होता है ना, क्योंकि ये मच्छर से ही फैलता है ज़्यादा वायरस भी, और जो चिकनगुनिया होता है उसके बारे में आप जानते होंगे, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, अल्फ़ा अल्फ़ा वायरस की कैटेगरी में। ठीक है, कमेंट में आपको ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल और यहाँ के PM और करेंसी का नाम बताना है। इम्पॉर्ट तीनों क्यों पूछे हैं, वैसे मैं तीनों पूछता नहीं हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अभी फॉरेस्ट फायर्स हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में रहा ये कंट्री, इस वजह से आपको इसके तीनों चीज़ें बतानी, प्राइम मिनिस्टर हो, कैपिटल हो, करेंसी हो। अगला है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता, जो भी लिखा है, ये सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, 50, 72, 80 या फिर 85। तो वैश्विक प्रतिभा में है इंडिया जो है 72 नंबर पे, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर है। और ये रैंकिंग जो है इंडिया को 132 यानी 132 कंट्रीज़ में मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अभी इंग्लिश करंट अफेयर्स, ये हैं, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस इंडियाज रीसेंट रिपोर्ट। तो ग्रीन पीस इंडिया की एक रिपोर्ट निकली है जिसके तहत सबसे पॉल्यूटेड गंदी सिटी का यहाँ पर दर्जा किसको दिया, ये आपसे पूछ रहा है। ये दिया गया है सर, ऑप्शन आपके हैं गुरुग्राम, झरिया, लखनऊ या फिर नोएडा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झरिया। कमेंट में आपको ये स्टेट का नाम बताना है, झरिया कौन से स्टेट में है। अगला है, विच स्टेट इज़ द फर्स्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग पॉलिसी। तो पहला राज्य कौन बना है जो एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर वेस्ट बंगाल। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिजिनस आर्टिलरी गन्स विच आर टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी, श्रीरंग, सेवक या फिर सेनक। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शरंग। ठीक है, ये इंडिजिनस आर्टिलरी गन्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आर्टिलरी गन्स पूरी तरह से इंडिया यानी इंडिया मेड ही हैं, कहीं और से ये इंपोर्टेड नहीं हुई। ठीक है, अगला है, विच डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो किसके बीच में GSI और किसके बीच में MOU साइन हुआ है, ये हुआ है सर इंडियन नेवी के साथ, ऑप्शन नंबर बी। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, इंडियन नेवी। अगला है, द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स फॉर चिल्ड्रेन आर प्रेजेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन एनुअली। तो आप देखते होंगे कि नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स मिलते हैं चिल्ड्रेन को, जैसे कि हर बार आप सुनते हो कि किसी ने, बच्चे ने, कुछ बच्चे डूब रहे थे 5-6 नदी में, इनको बचा लिया, इस वजह से उसको ब्रेवरी अवार्ड मिला। तो ये सारे ब्रेवरी अवार्ड कौन देता कौन है, तो ये ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यूनिसेफ या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। तो ये जो नेशनल यहाँ पे वर्ड लग गया नेशनल ब्रेवी अवार्ड, तो जाहिर सी बात है यूनिसेफ तो देने से रहा क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। अगला, रिटायर्ड IAS ऑफिसर युद्धवीर सिंह मलिक हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन CMD ऑफ विच क्राइसिस हिट फर्म, ILNFS, DHFL, यूनिटेक या फिर अल्टीको कैपिटल। तो
तो ये है सर यूनिटेक। एक्चुअली अगर आप देखो तो आईएल एंड एफएस भी क्राइसिस हिट ही फर्म है, लेकिन ये बहुत पहले था। रिसेंटली अगर देखो तो यूनिटेक भी है। तो आंसर इसका यूनिटेक ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक लॉन्च्ड कार्डलेस कैश विदड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम इट्स एटीएम रिसेंटली। तो अभी एक अगर आपको एटीएम से पैसा निकालना होता है तो आपको कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है, तब पैसा निकलता है। लेकिन कार्डलेस कैश विदड्रॉल का सिस्टम जो है फैसिलिटी है, फर्स्ट टाइम ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि अब आपको कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एटीएम्स में। अगला है एट्थ नंबर क्वेश्चन, एज पर द रीसेंट सर्वे ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स सीईओज बाय कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूसी, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। किस कंट्री के सबसे ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर जर्मनी? ये हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, और देखिए कोई भी क्वेश्चन आप देखते हैं उसका माइंड मैपिंग कीजिए, यानी कि अगर मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है। आपको नहीं आंसर पता है मुझे, आप सीख नहीं आए हो, लेकिन आप माइंड में आप सोचिए कि कौन सा आंसर इसमें ऑप्शन हो सकता है, फिर देखिए क्या वो हुआ या फिर नहीं हुआ, तो ऐसे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अगला नाइन्थ नंबर, द रिसेंटली सेटअप नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इज़ टू बी चेयर्ड बाई विच यूनियन मिनिस्टर। तो भी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल सेटअप हुई है, कौन से यूनियन मिनिस्टर इसको होल्ड करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए, स्टार्टअप से रिलेटेड है, यानी कि जो नए उद्योग चालू होते हैं स्टार्टअप, तो कौन से हो सकते हैं इसमें? एमएसएमई के मिनिस्टर ये तो लग नहीं रहा, कॉरपोरेट अफेयर्स ये भी नहीं, क्योंकि स्टार्टअप का जिससे अच्छा लिंकेज होगा वही। ठीक है, तो अगर आप देखो तो सी और डी ही लग रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन स्किल डेवलपमेंट तो उनका होता है, देखिए कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो आप उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं करोगे, कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है। लेकिन अगर आप देखो तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कमेंट में आपको मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नाम बताना है, ठीक है, कौन है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आज का, कि इंडियाज़ फर्स्ट एवर कन्वेंशन सेंटर इन अफ्रीका वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच अफ्रीकन कंट्री। तो इंडिया का पहला अफ्रीका में कन्वेंशन सेंटर कौन सी कंट्री में है, बनाया गया अभी? लीबिया, घाना, नाइजर या फिर अल्जीरिया? ये है नाइजर, इसको नाइजीरिया के साथ कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, बहुत है डिफरेंट कंट्रीज़। ओके, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। मॉक टेस्ट मिलेगा आपको शाम को, कल नहीं मिला था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आज आपको 100% मिलेगा। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें। धन्यवाद।